कश्मीर घाटी में इंटरनेट और मोबाइल सेवा एक महीने बाद भी बहाल नहीं हो पाई है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरी अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इससे नाराज एएमयू में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। एक महीने बाद भी कश्मीर घाटी में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बहाल नहीं हो पाई है। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी ज्यादा मुश्किल में हैं, क्योंकि 30 दिन गुजर जाने के बावजूद वे अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की इस पाबंदी के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी हुआ। बड़ी संख्या में एएमयू में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों ने कैंपस में मार्च निकाल कर कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उनके घर वालों से संपर्क करने का इंतजाम करे। हमारी डिमांड यही है कि जो कश्मीर में ब्लॉकेज है और कम्युनिकेशन टोटल ब्लॉकेड है, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि हम अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं। एक एक दो दो मिनट के लिए केवल बात कर पा रहे हैं, वो भी एसटीडी से। हम ये नहीं जान पा रहे कि हमारी फैमिली वहाँ ठीक है, उनको ये नहीं पता उनके बच्चे कैसे हैं, वो ठीक है या ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन है, मतलब उनको ये सब चीज़ें नहीं पता। पर हम ये चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है उसको हटा दिया जाए जल्द से जल्द। वहीं कैंपस में विरोध प्रदर्शन करने पर एएमयू इंतजामिया ने छात्रों को नोटिस जारी किया है। एएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर शाफिक इदवई का कहना है कि बिना इजाजत कैंपस में विरोध मार्च निकालना नियमों के खिलाफ है, लिहाजा प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस जारी किया गया है। एएमयू में कश्मीर के करीब 1100 छात्र छात्राएं हैं, जो घाटी में जारी कर्फ्यू के चलते इस साल बकरीद पर अपने घर भी नहीं पहुँच पाए थे। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।